और टकराव की स्थिति जैसे कि आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर में भी शुरू हो गई है। यहां पर पुलिस और बाबा रामदेव के समर्थकों के बीच जो है टकराव हुआ है, धक्का मुक्की की स्थिति वहां पैदा हो गई है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इनमें से एक या दो शख्स को सिर पे चोट भी आई है और यहां पर एक धक्का मुक्की जैसी स्थिति प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में पैदा हो गई है। वहां आप दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को देख सकते हैं और टकराव की स्थिति जंतर मंतर में भी पैदा हो गई है। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे की उत्तेजना क्या है, क्या वजह है इस टकराव की, इसमें गलती किसकी है, क्या पुलिस इन्हें यहां से खदेड़ रही है? ये एरिया छोड़ दीजिए, गिर जाएगा बंदा, गिर जाएगा, आप लोग ये एरिया छोड़ दीजिए। तो गुस्से में हिंदुस्तान और हम आपको सीधे जंतर मंतर लेके चलेंगे जहां पर इस वक्त रामदेव समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव शुरू हो गया है। इस टकराव की क्या वजह है अभी हम नहीं जानते। देख सकते हैं कि ये नजारा जंतर मंतर का है। जी हां, एक तरह से मानो वो पूरा का पूरा नजारा जो अब से कुछ देर पहले हमने इंडिया गेट में आज सुबह से देखा था या कल शाम देखा था, वो अब जंतर मंतर में दोहराया जा रहा है। आखिर इस टकराव की वजह क्या है? वाकई हैरत में वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त इस तस्वीर को देख रहे हैं। आखिर क्यों? और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक गाड़ी को पलट दिया गया है यहां पर। जंतर मंतर की तस्वीर जहां एक गाड़ी को पूरी तरह से पलट दिया गया है। ये गुस्सा अब इस गाड़ी पर निकल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस गाड़ी को यहां तोड़ दिया गया और पुलिस आगे बढ़ने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये गुस्सा जो है ये लोगों का निकला है इस पर। ये गाड़ी भारत सरकार की इन लोगों के हत्थे चढ़ गई और इसको तोड़ रहे हैं लगातार। किस तरह से आप देख सकते हैं प्रदर्शन जो है वो लगातार उग्र होता जा रहा है और आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अब इसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये कहीं से भी शांतिपूर्वक नहीं रहा है। लगातार ये जो हमला है ये बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारी है, उन्होंने पत्थर चलाए, गाड़ी तोड़ी और जिसके जवाब में पुलिस इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। वाकई हालात काबू बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने उस गाड़ी को पलट दिया, उसी तरह का टकराव जो है वो अब हो रहा है इंडिया गेट और जंतर मंतर दोनों जगह। मगर अहम सवाल ये कि अचानक इस उत्तेजना की वजह क्या है, पुलिस इस तरह से बल प्रयोग क्यों कर रही है? एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो इस भीड़ में प्रवेश कर गए हों। मगर दूसरा तर्क यह है कि क्या वाकई प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है, क्या पुलिस उन्हें प्रवोक कर रही है? देखिए ये तमाम थ्योरीज हैं जिस पर एक तरह से हम बात कर रहे हैं, मगर इस तरह से आप देखा किस तरह से, और आप इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी एक राइट कंट्रोल व्हीकल को किस तरह से पलटने की कोशिश की जा रही है। ऊपर एक कैमरामैन भी मौजूद है और हालात इस वक्त सबसे ज्यादा बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल तक हमने टकराव देखा था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। अब आप देख रहे हैं कि सीधा हमला जो है वो गाड़ियों पर किया जा रहा है और जब ऐसा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि हालात बेकाबू होने वाले हैं और उसकी बानगी आपके सामने है। आखिर इस उत्तेजना की इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह का टकराव हो रहा है? क्या ये गुस्सा छात्रों में मौजूद है, वहां मौजूद युवकों में है, या फिर इस भीड़ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं कुछ असामाजिक तत्व? किस कॉर्नर पे? वहां पे, वहां पे हैं दलित जी, दलित जी वहां उस पॉइंट पे हैं, उधर वो देखिए वो तस्वीर, एक गाड़ी को पलट दिया गया है, एक सरकारी गाड़ी को पलट दिया गया था और यही मंजर आप जंतर मंतर में भी देख सकते हैं। इंडिया गेट हो, जंतर मंतर हो,
दोनों जगह पर सरकारी जो गाड़ियां हैं उस पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता शमशेर सिंह का जो इस वक्त इंडिया गेट में मौजूद हैं। शमशेर, ये समझाइए कि अचानक इस तरह का टकराव जिसमें गाड़ी को पलट दिया जाता है, इसकी वजह क्या है? देखिए अभिषेक, पहले तो एक खबर ये बताऊं कि जो ये पूरा जो आंदोलन जिस तरह से रूप ले रहा है, जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, जिस तरह से पुलिस पर पथराव किए जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने मंत्रालय को लिखा है कि रिपोर्ट किया है कि आंदोलन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घुसे हैं, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो गया है, और लिहाजा यही वजह है कि वो जान बूझ कर ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हम पथराव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ताकि आंदोलन और भी भड़के, आंदोलन और भी हिंसक रूप ले, ये दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को लिखा है। इसके अलावा अगर यहाँ इंडिया गेट की बात करें आप, तो लगातार यहाँ पर भारी संख्या में ये कहें कि लोग चारों तरफ से पहुंच रहे हैं, जो 144 धारा लगाई गई थी वो हटा ली गई है, इजाजत दे दी गई है, तो भारी चारों तरफ से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और जो रास्ते, तमाम रास्ते, हालांकि विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की आप अगर बात करें तो वहां से जाने वाले तमाम रास्ते अभी भी पूरी तरह सील है, कोई किसी को जाने की वहां इजाजत नहीं है, लेकिन इंडिया गेट के आसपास के और भी जो रास्ते हैं, राजपथ पूरी तरह बंद कर दिया गया है, और लोग जिस तरह से लगातार पहुंच रहे हैं और पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके जो प्रदर्शनकारी हैं वो रुक नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो जिस तरह से पुलिस पर ये हमले करते हैं, जिस तरह से पुलिस के पर ये पत्थर फेंकते हैं, पुलिस के वाहनों को तोड़ फोड़ करते हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस जिस तरह से गृह मंत्रालय को लिखा है कि इससे आंदोलन और हिंसक हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, इनके मूड को देखकर दिल्ली पुलिस की का जो अंदेशा है कहीं ना कहीं सच साबित होते लगता है। अभिषेक शमशेर, जाहिर बात है कि ये फिर ऐसे में एक एक्सक्यूज हो जाएगा पुलिस के लिए और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई, और वहां जो जेन्युइन जो वहां आंदोलनकारी है, जो कि इस कॉज से जुड़ने आए हैं, इस मुद्दे से जुड़ने आए हैं, जाहिर सी बात है वो लोग हाशिए पर चले गए हैं ऐसे में। देखिए अभिषेक, ये आंदोलन अगर आप कहें तो एक छत के नीचे नहीं है, एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है, कोई कमांड नहीं है, लोग आ रहे हैं, जैसे मैं सुबह यहाँ आया था, अपने दर्शकों को मैंने दिखाया था, किस तरह से 100 से ज्यादा बाइक से बाइकर्स आए थे और काफी देर यहाँ उन्होंने नारेबाजी की बैनर पोस्टर लेके आए और फिर अचानक चले गए, जिनका कोई पता नहीं कहाँ गए, कहाँ से आए, कब आएंगे, फिर वो ये किसी को पता नहीं। इसके अलावा जो अलग अलग तबके से, हर तबके से लोग यहाँ अवतार दिख रहे हैं, हर जगह से लोग दिख रहे हैं, लेकिन कोई एक कमांड नहीं है, कोई एक अम्ब्रेला के नीचे ये आंदोलन नहीं चल रहा है, ऐसे में एक नेतृत्व विहीन आंदोलन है, तो इसका क्या अंजाम होगा, ये जो आंदोलनकारी कर रहे हैं उन्हें क्या मुकाम चाहिए, ये जो आंदोलनकारी हैं इन्हें भी नहीं पता है। रही बात सरकार किस तरह से निपटने की कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी मिले हैं उनसे, गृह मंत्री ने तमाम चीजें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही थी, तमाम चीजें कही थी, लेकिन जो मूड है जिस तरह से आंदोलन, इस तरह से अविष्कार दिखा सकते हैं, ऐसे में इस आंदोलन का क्या मुकाम होगा, क्या अंत होगा, ये सरकार के लिए एक अब बहुत बड़ी चुनौती है कि वो क्या करे कि इन्हें बनते, क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है जो अधिकृत तौर पे बात करे और जिनकी बात सब लोग ना सुन ले। अविष्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशेर सिंह इंडिया गेट से, और इंडिया गेट हो या जंतर मंतर, दोनों जगह तस्वीर लगातार गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक गाड़ियों को पलट दिया गया, एक गाड़ी को पलट दिया गया था, एक सरकारी वाहन को पलट दिया था प्रदर्शनकारियों ने, जाहिर सी बात है कि आंदोलन का ये रूप अख्तियार करना किसी भी सूरत में सही नहीं है। और आंदोलन हिंसक हो रहा है, और अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आ रही है कि आंदोलन से अब कई राजनीतिक दल जुड़ गए हैं, और यही वजह है कि आंदोलन और भी ज्यादा और हिंसक हो चला है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को यह चिट्ठी लिखी थी।